हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एसेट्स कंपाउंडर। सो एक बार आज फिर हम आ गए हैं आपके साथ आज टॉप 10 हेडलाइंस लेकर। तो क्या है टॉप 10 हेडलाइंस आज की, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप 10 हेडलाइंस में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है इंडसइंड बैंक शेयर गेन आफ्टर LIC गेट्स RBI नॉड टू रेज स्टेक। चलिए देखते हैं कंप्लीट न्यूज़। शेयर प्राइस एज्ड हायर At the open on December 10, after the Reserve Bank of India approved LIC to raise its stakes in the bank, तो RBI ने approval दे दिया है LIC को अपना stake raise करने के लिए, इसीलिए आज IndusInd Bank का जो share है वो rise हुआ है। The stake was trading at ₹957.50, up ₹11.20 or 118%. At 9:19 AM, it touched an intraday high of ₹966.60 and intraday low of 956.30. Private sector lender IndusInd Bank on December 10 said the Reserve Bank of India has given green light to Life Insurance Corporation of India to increase its holding in the bank up to 9.99%. So RBI ने जो है अप्रूवल दे दिया है LIC को अपना स्टेक रेस करने के लिए, कितना परसेंट, 9.99% से। सेकेंडली, आफ्टर दैट सेकेंड जो न्यूज है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल शेयर प्राइस जंप्स 10% आफ्टर बोर्ड अप्रूव्स रिव्यू ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो पूरी न्यूज देखते हैं क्या है। बजाज इलेक्ट्रिकल शेयर प्राइस जंप 10% टू ₹1159.95 इंट्राडे ऑन डिसम्बर 10 आफ्टर द कंपनी अनाउंस दैट इट इज गोइंग टू रिव्यू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो बजाज इलेक्ट्रिकल का जो शेयर प्राइस है वो 10% से जंप हुआ है। रीजन उसका ये है कि आफ्टर द कंपनी अनाउंस दैट इट इज गोइंग टू रिव्यू इट्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे एक बार रिव्यू करेगी कंपनी, तो इसीलिए बजाज इलेक्ट्रिकल का जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। द स्क्रिप ट्रेडेड एट ₹1130.90 अप बाय ₹8.05% ऑन द BSE वाइल द बेंचमार्क सेंसेक्स वॉज डाउन 152.37 points एट 0.26%. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन डिसम्बर 9 हैज ऑथराइज सम ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी टू रिव्यू द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी टू अनलॉक ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन फॉर ऑल बिजनेस सेगमेंट्स। तो ये था आज का न्यूज सेकेंड। तो आज का जो थर्ड न्यूज है वो है श्री रेणुका शुगर, राजश्री शुगर हिट्स अपर सर्किट एट प्राइजेस स्वीटन फर्दर। तो पूरा न्यूज देख लेते हैं। शेयर्स ऑफ श्री रेणुका शुगर्स एंड राजश्री शुगर हिट द अपर सर्किट ऑफ 5% इन अर्ली ट्रेड, वर लॉक्ड एट 33.20 एंड ₹33.70 रिस्पेक्टिवली ऑन BSE। तो शुगर्स जो शुगर कंपनीज के प्राइजेस हैं वो अपर सर्किट पर हिट कर चुके हैं। Sugar stock have seen a healthy rally over the past month on the back of rising global prices of the commodity on December 9. Stocks like Balrampur Chini, Dalmia Bharat and Triveni Engineering has gained as much as 10% in trade. Analysts believe that the domestic sugar prices will remain firm above rupees 36 per kg for the rest of financial year 22. उसके बाद थर्ड न्यूज जो है वो है रेमंड शेयर प्राइस गेन्स 3% आफ्टर सब्सिडियरी JK फाइल्स फॉर IPO। तो रेमंड का जो प्राइस है वो आज गेन हुआ है, कितना, 3% से, जब से न्यूज ये आई है कि उसकी सब्सिडियरी कंपनी JK फाइल्स ने IPO जो है वो लॉन्च किया है। दिस इज द नेक्स्ट न्यूज। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है मेट्रो ब्रांड्स IPO सब्सक्राइब 14% ऑन फर्स्ट डे ऑफ बिडिंग। तो मेट्रो ब्रांड्स के IPO ने आज 14% ही आज के दिन पे सब्सक्राइब कर लिया है और आज पहला ही दिन था बिडिंग का। पूरी न्यूज देखते हैं। द पब्लिक इश्यू ऑफ फुटवेयर रिटेल कंपनी मेट्रो ब्रांड्स हैज बीन सब्सक्राइब्ड 14% सो फार, गार्नरिंग बिड्स फॉर रुपीज for 26.67 lakh equity shares against the IPO size of 1.91 crore equity shares on December 10. The price band
for the offer which will close on December 14 has been fixed at rupees 485 to 500 per equity shares. तो ये था मेट्रो ब्रांड्स का जो न्यूज़ है. उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है गोल्ड पर. तो गोल्ड प्राइस टुडे येलो मेटल टू रिमेन चॉपी अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एक्सपर्ट से बाय अराउंड 47,700. तो गोल्ड प्राइसेस का क्या न्यूज़ है, गोल्ड प्राइसेस के लिए जो न्यूज़ है वो है गोल्ड प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट एज्ड हायर ऑन दिसंबर 10 बट वर हेडेड फॉर अ फोर्थ स्ट्रेट वीकली फॉल एज इन्वेस्टर्स स्टेड ऑन द साइडलाइंस अहेड ऑफ द की यूएस इन्फ्लेशन डेटा दैट कुड इन्फ्लुएंस द फेडरल रिजर्व्स नेक्स्ट पॉलिसी मूव. ऑन द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज द गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर मार्जिनली अप 0.14% टू रुपीज 10 grams at 9:40 a.m. on December 10. Silver futures shed 0.13% to rupees 60,716 a kilogram. Prices of gold are trading in narrow range ahead of U.S. inflation data scheduled later in the day. However, silver breached a lower range on strong U.S. jobless claims, which declined to the lowest level since 1969. U.S. President Biden also said CPI data will not reflect a recent drop in some prices including energy. तो ये था news. तो next news क्या है देखते हैं. तो next news है top cryptocurrency prices today. Bitcoin, Ethereum, Terra shed up 9%. तो जो top currencies हैं cryptocurrencies जैसे कि Bitcoin, Ethereum और Terra जो है shed up मतलब कि आज down रहे हैं 9% से. तो complete news क्या है वो देखते हैं. The cryptocurrency cart show saw another round of selling on Friday ahead of the weekend. Investors took money off the table in Bitcoin and Ethereum, which dented sentiments for other altcoins. Bearing the dollar pegged stablecoins and XRP 7 out of the top 10 digital tokens were trading lower at 9.30. Terra tanked over 9% while Ethereum and Solana shed over 1% each. The global crypto market cap declined about 4% to $2.27 trillion mark compared to the last day. However, the total crypto market volume gained over 2% to $104.65 billion. तो आज के लिए cryptocurrency का day अच्छा नहीं था. नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं. एच एफ सी एल शेयर्स ट्रेड इन द रेड. आर आई एल रील रेजेस स्टेक टू 5% थ्रू क्यू आई पी रूट. तो एच सी एल का जो शेयर है आज रेड में ट्रेड कर रहा है. रीजन उसका क्या है देखते हैं. एच एफ सी एल शेयर प्राइस ट्रेडेड लोअर बाय ओवर 4%. तो 4% से एच एफ सी एल का शेयर जो है डाउन रहा है. Intraday on December 10 as company closed its qualified institutional placement. क्योंकि company ने अपना qualified institutional placement जो है close किया है. We wish to inform that fundraising committee of directors at its meeting approved the issue and allotment of equity shares to 21 qualified institutional buyers at the issue price of ₹68.74 per equity share pursuant to this issue. Reliance Industries has increased its stake. Reliance Industries ने अपना stake जो है increase किया है company में by investing rupees 138 crore in the QIP. The Mukesh Ambani led conglomerate through its subsidiary Reliance Strategic Business Ventures held 3.76% stake in the company as of September 30. तो ये था HFCL का रेड में ट्रेड करने का रीजन. उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एलन मस्क सेल टेस्ला शेयर वर्थ रुपीज 963.2 मिलियन डॉलर्स. तो 963.2 मिलियन डॉलर्स के जो है टेस्ला शेयर्स जो है वो एलन मस्क ने सेल किए हैं. ही ऑल्सो एक्सरसाइज स्टॉक ऑप्शंस टू बाय 2.17 मिलियन शेयर्स ऑफ टेस्ला. नेक्स्ट न्यूज क्या है. ल्यूपिन लॉन्चेस डायग्नोस्टिक बिजनेस इन इंडिया. तो ल्यूपिन क्या कर रहा है, डायग्नोस्टिक बिजनेस इंडिया में लॉन्च करने कर रहा है.
न्यूज देखते हैं. मुंबई बेस्ड फार्मा मेजर ल्यूपिन लिमिटेड ऑन डिसम्बर 10 अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स डायग्नोस्टिक बिजनेस विद इट्स सब्सिडरी कमेंसिंग ऑपरेशन इन द कंट्री. ल्यूपिन डायग्नोस्टिक 100% सब्सिडरी ऑफ जो ल्यूपिन डायग्नोस्टिक है, सब्सिडरी कंपनी है ल्यूपिन लिमिटेड का, हैज सेटअप स्टेट ऑफ द आर्ट 45,000 स्क्वायर फीट नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी इन नवी मुंबई. तो 47,000 स्क्वायर फीट एरिया का उसने लेबोरेटरी बनाया है नवी मुंबई में लॉन्च करना है, द कंपनी सेड इन आवर फाइलिंग. With healthcare playing an increasingly important role, Lupin Diagnostic goal is to provide quality diagnostic services to doctors, patients and consumers with world-class equipment, experienced doctors assisted by trained technologists and stringent quality control protocols. Lupin Diagnostic would provide comprehensively range of diagnostic tests. तो ये था आजकल हमारा लास्ट न्यूज़. अगर आपको ये सब न्यूज़ से कुछ बेनिफिट मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. और डेली ऐसे टॉप 10 हेडलाइंस को देखने के लिए एसेट्स कंपाउंडर्स के पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.